इतना विश्वास उसने दिलाया, और ना हो सकता है आप स्नान करने जा रहे हैं, यदि कोई ऐसा गंगा माई का भक्त आए जिसके त्रिवेणी में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, जल लेता आए और मेरे छींटे लगा दे, सुबह से शाम हो गई, कोई भी गंगा माई का भक्त ऐसा ना मिला जिसने हिम्मत की हो कि छींटा लगा दे, जिसे विश्वास हो कि गंगा माई में स्नान करने के बाद उसके पाप नष्ट हो गए हों। पार्वती ये तमाशा देखती रही, उन्हें बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान ठीक ही कह रहे थे। सायंकाल जब सूरज छिपने लगा, एक किसान आया, गंगा जी में स्नान किया, पाप नाशिनी माँ हर हर गंगे का उच्चारण कर पवित्र हो बाहर निकला। कुछ लोगों को वहाँ खड़े देखा, शिव जी की घोषणा उसने भी सुनी कि अगर कोई ऐसा गंगा माई का भक्त है जो छींटा लगा दे, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वह बड़े प्यार से आया, वो भी ये सुन रहा था, उसने कहा कि त्रिवेणी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं, इसमें तो कोई शुबा नहीं, तेरा शब्द झूठा हो सकता है लेकिन त्रिवेणी झूठी नहीं हो सकती, अभी मैं जल लाता हूँ, छींटा लगाता हूँ। वो दोबारा गया इसी विश्वास के साथ कि पाप तो रहता ही नहीं, न था न है, उसका जीवन इतना पवित्र और सरल था। जल लाया, छींटा लगाया, छींटा लगाते ही पार्वती और शिव जी प्रकट हो गए, तो कहा देखो करोड़ों में एक यही एक ऐसा है जिसे पूर्ण विश्वास है कि गंगा में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं। तो विश्वास ही आखिरी मंजिल है, वह विश्वास जो अनुभव से हासिल हुआ हो, जिसने आपके जीवन को पवित्र बना दिया हो, ऐसा विश्वास ही अंत में काम आता है, पार लगाता है। प्रेम का चौथा गुण है संतोष। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि संसार बना है सार और असार की मिलौनी से, इसमें सार भी वस्तु है असार भी वस्तु है, दोनों से मिलकर ये संसार बना है। इस संसार में जहाँ परमात्मा ने आपको जन्म दिया, जिन परिस्थितियों में रखा, उन परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हुए उस परमात्मा के नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। वे कहा करते थे दिल और दांतों से, दिल से ईश्वर की याद को पकड़ो, हृदय से सच्चे प्रेम से सच्ची लगन से। दांतों से मतलब क्या है कि जब आदमी हताश हो जाता है, डूबता होता है, तिनके का सहारा पकड़ता है, अगर लड़ाई हो रही हो और बिल्कुल निराश हो चुका हो तो दांतों से काटता है, दांतों से पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसे अपने आप को समझाते हुए कि उस परमात्मा के नाम को चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन रहे न रहे, दुनिया रहे न रहे, लेकिन उसके नाम को ना छोड़ो। ऐसे दिल और दांतों से उस परमात्मा के नाम को पकड़ो, यही सार वस्तु है, इसी से सच्चा आदर्श जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, जो मनुष्य का सबसे ऊंचा आदर्श है। संतोष का मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दें, अपनी उन्नति की कोशिश ना करें, ये हरगिज नहीं।
हम लोग तो ग्रस्ती हैं और हमारा रास्ता तो ग्रस्त का है, इसी दुनिया में रहते हैं, इसी संसार में रहते हुए संसार के सब काम सुंदरता से करते हुए हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहे, परमात्मा की याद में बर्फ की तरह हृदय पिघलता रहे, संसार के सब काम अच्छाई के साथ सुंदर के साथ सुंदरता के साथ बनते रहे, आज से अच्छे, यही हमारा आदर्श है। दिल बकार दस्त बकार दिल बयार, हाथ पैर काम करें, दिल ईश्वर की याद करें, तो संतोष के माने ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, हमें प्रतिशील रहना चाहिए अपनी दुनियावी तरक्की के लिए, हमेशा सच्ची कोशिश करें, सच्ची मेहनत करें, द्वेष भावना से बचें। दूसरे को देखकर हमारे दिल में द्वेष पैदा ना हो, बल्कि दूसरे को देख के हमारे अंदर उत्साह पैदा हो कि हम उससे अच्छी मेहनत करें, ऊंची तरक्की प्राप्त करें। द्वेष से हृदय अपवित्र होता है, उसमें परमात्मा नहीं रहता। यह है प्रेम का चौथा गुण, संतोष। परमात्मा ने जिस हाल में हमें रखा उसमें खुश रहते हुए उसके नाम को दिल और दांतों से पकड़ो, सुख में भी और दुख में भी। सुख आता है भगवान के अर्पण हो जाता है, हे प्रभु आपकी दया कृपा है, आपका दया है, आपका दिया हुआ है, आपकी बड़ी मेहती कृपा है, आप जैसा चाहें वैसे रखें। जिनका जीवन ईश्वर में है उन्हें कभी ऐसी खुशी नहीं होती कि फूले ना समाए, खुशी आई कि भगवान के अर्पण हो गई, परम पिता परमात्मा की देन है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, जैसा चाहे वैसा रखे। दुख आया ऐसा भक्त परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है, वह जानता है कि इसका निवारण उसी के चरणों में है और कहीं नहीं, परमात्मा की गहरी याद करता है। वह सोचता है शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैं प्रभु से थोड़ा विमुख हो गया हूँ, जो कष्टों में पड़ा, तो भगवान को और कस के पकड़ता है। संतों की बड़ी सुंदर वाणी है, संतों ने कहा है कि मेरा मन सकल सुखों को धावे, मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुखात ना आवे, मेरा मन सकल सुखों को धावे पर कोई सुखात ना आवे, जैसे सेवर की कर सेवा सुआ बैठ पछतावे, जैसे सेवर की सेवा कर सुआ बैठ पछतावे, सेवर का वृक्ष होता है। मेरा मन सकल सुखों को धावे पर कोई सुखात ना आवे, जैसे सेवर की कर सेवा सुआ बैठ पछतावे। सेवर का वृक्ष होता है, उस पर सेमल का लाल लाल फूल बहुत अच्छा लगता है, सुआ पक्षी उस फूल पर देखकर मोहित हो जाता है और इस आशा में बैठा रहता है कि इसमें फल भी बड़ा सुंदर आएगा। जब फल इतना फूल इतना सुंदर है, फल बड़ा मीठा निकलेगा, जब फल आता है तो रुई का डोडा उसमें से निकलता है, बड़ा निराशा हो जाती है। यह दुनिया में बड़ी प्यारी लगती है,
लेकिन धीरे धीरे हमें ऐसा अनुभव होता है और ये पता चलता है कि ये तो रुई का डोडा है, हंस अकेला आया अकेला जाएगा। तो जैसे कर सेवर की सेवा, सुआ बैठ पछतावे और साचो सुख दुख के भीतर है, इसे कौन समझाए। कर सेवर की सेवा, सुआ बैठ पछतावे और साचो सुख दुख के भीतर है, इसे कौन समझाए। और यदि ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ आ पड़े कि जो हमारे हृदय को परमात्मा से जोड़ दे, हमारा हृदय निरंतर परमात्मा की गहरी याद में डूबा रहे, वह तकलीफ भी मुबारक है। उसने हमें एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, तो न संत सुख में दुखी होते हैं न दुख में दुखी, उनका ऐसा सुंदर जीवन बन जाता है। दुख आया और परमात्मा की गहरी याद है, सुख आया भगवान को अर्पण हो गया और विश्वास हो जाता है कि जब आखिरी वक्त आएगा तो अवश्य उसकी याद आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि जो मनुष्य मेरे को याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है, वो मुझे पाता है, सच्ची आशा हो जाती है। जरूर हमें आदर्श और सच्चा जीवन प्राप्त होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति एकाकार हो जाएगी। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि निशाते जिंदगी है जिंदगी का यो बसर होना, निशाते जिंदगी है जिंदगी का यो बसर होना, निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। ये सच्ची जिंदगी, दुनिया के सारे वैभव आपके पास मौजूद है लेकिन उसका कोई ज्ञान नहीं। उसे सारे वैभवों में रहता हुआ उसे इसका कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि उसका हृदय परमात्मा के आनंद को ले रहा है, अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है, निरंतर परमात्मा के शब्द को सुनता रहता है, निरंतर ईश्वर की याद में लगा रहता है, उसी आनंद में आनंद विभोर हो जाता है। इस सब का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये है सच्ची जिंदगी, इसी संसार में है, इसी दुनिया में है, सारे वैभवों के बीच, लेकिन हृदय परमात्मा से ऐसा कस के जुड़ गया है कि और किसी बात का कोई असर ही नहीं होता। ये है सच्ची जिंदगी, ये है प्रेम का चौथा गुण संतोष। पांचवा गुण त्याग, इशार और कुर्बानी। एक दिया जलता है, तेल और बाती ठीक होती है, रोशनी अच्छी देगा, धीरे धीरे उस चिराग की लौ में धुआं पैदा हो जाता है, तो क्या करते हैं, कैंची से उसको काट देते हैं, तेल डाला, जलने लगता है, फिर रोशनी देने लगता है। जब परमात्मा की असीम दया कृपा से हृदय में उस परमात्मा का प्रेम जागृत हो जाए, तो फिर ऐसे साधक को चाहिए कि त्याग की कैंची से उसकी लौ को सदैव प्रज्वलित करता रहे। ऐसा ना हो कि उसमें धुआं आ जाए। त्याग है शरीर का, त्याग है समय का, त्याग है धन का, सब त्याग हमें अपनी लौ को कायम रखने में मदद करता है। और सबसे ऊंचा त्याग है मन का, मन निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहे, एक भी क्षण को इधर आदर ना हो, ये सबसे ऊंचा त्याग है मन का। ऐसी लौ उस प्रभु के नाम की, अपने इष्ट देव की हमारे हृदय में जागृत हो जाए, जो निरंतर जलती रहे।
जब यह लौ निरंतर जलती रहती है तब हमारे हृदय में अपना दीपक जल जाता है और फिर दूसरे हृदयों को रोशनी देता है। अध्यात्म का रास्ता एक चिराग से अनेक चिराग जलाता है। दिवाली के रोज एक चिराग से अनेक चिराग जलाते हैं। आपके हृदय में जब परमात्मा की लौ जागृत हो जाती है तो जो दूसरे दीपक आपके संपर्क में आते हैं उनमें भी वो रोशनी प्रकट हो जाती है, लौ जागृत हो जाती है। ये अध्यात्म का रास्ता है, रूहानियत का रास्ता है कि एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है। यह प्रवचन से नहीं होता, इससे तो खाली प्रेरणा मिलती है। एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है, हमें ऐसा चिराग बनना है जिसमें उस परमात्मा की लौ हमेशा जागृत जलती रहे, ईश्वर की याद हमारे हृदय में निरंतर चलते फिरते, खाते पीते सोते जागते बनी रहे। लौ निरंतर उस प्रभु के नाम की जलती रहे, तभी हमारे हृदय में ऐसी रोशनी पैदा होगी, ऐसा प्रकाश पैदा होगा कि दूसरे लोग आएंगे उनके हृदय में भी वही प्रेम वही प्रकाश पैदा हो जाएगा। हम कहते हैं कि पतंगा बहुत प्रेमी है, लौ पर अपने प्राण नछावर कर देता है, पर हम अपने भूल जाते हैं वह अपने आप को जलाता है। कि पतंगा कब जलता है? तब जलता है जब लौ खुद जल लेती है, पतंगा अपने आप को जलाता है। तो ये अध्यात्म के विकास का फैलाव का रास्ता है। हमारे हृदय में प्रभु प्रेम की सच्ची लौ जागृत हो जाती है, सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है, प्रेम से परमात्मा मिलता है। विनय प्रेम ये दो विशेष गुण है जो हमें ईश्वर तक ले जाते हैं और हमारे जीवन को सच्चा लक्ष्य प्राप्त कराते हैं, जीवन मुक्त अवस्था वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो ये बातें हैं जो हमारी पूजा को सच्चे बनाती है और हमें परमात्मा तक ले जाती है। कहा है विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय और सत्प्रेम से, जब ईश्वरी और सद्गु कृपा से साधक के हृदय में प्रेम की लौ जागृत हो जाती है, अर्थात भावना बहुत पवित्र हो जाती है, समत मल विक्षेप का नाश हो जाता है, हृदय निरंतर प्रभु प्रेम में सराबोर डूबा रहता है, आत्मीय अवस्था प्राप्त हो जाती है। साधक शांत चित हो अपने आत्मिक आनंद को लेता रहता है और जीवन मुक्त अवस्था में बना रहता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।